गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, तो लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर अपन ने पहले वीडियो में पढ़ लिया था कि लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, ठीक है, वो तो हो गया एक एग्जांपल। अब अपन आते हैं दूसरे एग्जांपल पे लीचिंग के, वो होता है लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ओर्स। तो अगर अपन गोल्ड एंड सिल्वर की लीचिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट काम करते हैं सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के सॉल्यूशन, और प्रेजेंस ऑफ एयर यहाँ पे मस्ट होती है, मतलब ऑक्सीजन होनी ही होनी चाहिए इस प्रोसेस में। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसमें जब आप इम्प्योर मेटल की रिएक्शन करवाते हैं साइनाइड सॉल्यूशन और उसके साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पे सोडियम अर्जेंटो साइनाइड एक कॉम्प्लेक्स बनता है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड बनता है, साथ में NaOH सॉल्यूशन बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। उसके बाद जब सोडियम अर्जेंटो साइनाइड जो ये कॉम्प्लेक्स है उसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाई जाती है, तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि जिंक क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है अर्जेंटम और ऑरम से। तो ये जिंक क्या करता है, यहाँ पे अर्जेंटम को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे जिंक का जो ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाता है और अपने पास अर्जेंटम या जो सिल्वर है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाता है और अपने को मिल जाता है। ऐसा का ऐसा प्रोसेस अगर गोल्ड के लिए किया जाए तो गोल्ड में सिल्वर की जगह क्या रखा जाता है, ऑरम, बस बाकी पूरा प्रोसेस सेम होता है। यहाँ पे ऑरम रखा जाता है, ऑरम के साथ जब रिएक्शन होती है NaCN यानी सोडियम साइनाइड सॉल्यूशन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम ऑरो साइनाइड, है ना, यहाँ पे अर्जेंटो था, यहाँ पे सोडियम ऑरो साइनाइड, ठीक है, अर्जेंटो साइनाइड था या साइनाइड था, साइनाइड था, ठीक है, वैसा का वैसा यहाँ पे बनेगा ऑरो साइनाइड। उसके बाद ये यहाँ पे वापस इसकी रिएक्शन होती है जिंक के साथ, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है उसको और यहाँ पे बनता क्या प्रोडक्ट, वापस अपने पास जिंक का साइनाइड कॉम्प्लेक्स और साथ में ऑरम क्या होता है, रिलीज होता है और हम यहाँ पे अपन गोल्ड को अलग कर लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस है लीचिंग का, इस प्रोसेस को मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी बोला जाता है। लीचिंग का ये प्रोसेस है और इससे सिल्वर और गोल्ड को कंसेंट्रेटेड किया जाता है, कंसेंट्रेशन में काम आता है। इसके साथ अपना लीचिंग टॉपिक खत्म होता है और अपने पास अब जो अगला स्टेप होगा वो होगा आइसोलेशन ऑफ ओर्स, है ना, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, है ना, ओर्स में से मेटल को कैसे निकाला जाता है, इम्प्योर मेटल को, तो अपन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।